नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, बालाघाट जोन IG KP वेंकटेश्वर राव, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं SP अभिषेक तिवारी ने बताया है कि 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली संदीप उर्फ लघु कुंजाम को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर नक्सल विरोधी अभियान में कार्यरत पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि थाना बिरसा के अंतर्गत ग्राम जरासी के आसपास लगभग 20 से 22 नक्सलियों का जमावड़ा है, जिसमें से 5 नक्सलियों के गाँव में आकर पुलिस मुखबिरों की जान से लेने की योजना बना रही थी। इस सूचना पर जिला पुलिस बल बालाघाट SIB एवं हॉक फोर्स के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम जय राशि की घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस की घेराबंदी को भांपते हुए नक्सलियों द्वारा जंगल की ओर पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा नक्सलियों को घेर लिए जाने एवं हथियार डालने की चेतावनी दी गई तथा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसी बीच फायरिंग की आवाज से सतर्क होकर गांव में आए हुए नक्सलियों ने भागने की कोशिश की, जिनमें से एक नक्सली को पुलिस के जवानों द्वारा बड़ी बहादुरी से दबोचा गया। पुलिस की पूछताछ करने पर पकड़े गए नक्सली की पहचान खटिया मोचा दलम के ACM संदीप उर्फ लघु कुंजाम के रूप में हुई। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में 18, छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे कुल 22 अपराध पूंजीबद्ध हैं। इस कुख्यात नक्सली पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 लाख, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपए, इस प्रकार कुल 8 लाख रुपए इनाम घोषित है। महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से नक्सली संदीप के ऊपर इनाम व अपराध की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस नक्सली से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। कल शाम को एक गोपनीय सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसपे की पुलिस बल रवाना हुआ और बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम जरासी में आसपास करीब 22 नक्सलियों के जमावड़े होने की सूचना थी, जिनमें से कि कुछ नक्सली गांव में आकर कुछ लोगों को, ग्रामीणों को नुकसान पहुँचाने की नियत से गाँव में आए थे। पुलिस की कार्रवाई वहाँ पर, जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स, SIP सभी की संयुक्त कार्रवाई में वहाँ पर जब पुलिस फोर्स पहुँचा, पुलिस के वहाँ पर पहुँचता हुआ भागकर नक्सलियों के द्वारा अंडरग्राउंड पुलिस के साथ फायर भी किया गया, जिसका पुलिस ने आत्मरक्षार जवाब भी दिया, जवाबी कार्रवाई हुई। इस दौरान जो नक्सलियों जब पुलिस की कार्रवाई से भाग रहे थे, उनमें से भागते हुए एक नक्सली को पुलिस के जवानों ने बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार किया और जो उससे पूछताछ हुई तो उसकी पहचान संदीप और उसके लक्कू कुंजाम के रूप में सामने आई है। ये इनके द्वारा बताया गया कि दंतेवाड़ा के निवासी है और इनका पुराना काफ़ी रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में। 18 जो UPA एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ अपराध के संदी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में 4 अपराध हैं। दोनों राज्यों से मिला के कुल 8 लाख रुपये का इनाम संदीप के ऊपर घोषित है। सर, कितने नक्सली आने की सूचना है? इसमें 22 नक्सली वहाँ पर होने की उपस्थित होने की सूचना है और उस कार्रवाई के बाद भी रात भर करीब करीब हमारी 4 टीम्स उनकी सेटिंग में तैनात थी और आज भी 6 टीम हमारी जंगल में तैनात हैं जो उसी ग्रुप की घेराबंदी करने का प्रयास। सर, क्या उद्देश्य था सर इनका आने का वहाँ? बेसिक उद्देश्य जो अभी चल रहा है, पिछले महीने से हाई अलर्ट पर जो किया गया है, जैसा आपके संज्ञान में भी है कि एक जो निरपराध ग्रामीण की भी इन्होंने पिछले महीने हत्या की है, उसके ऊपर पुलिस नजर होने का अंदेशा बताते हुए, इसी तरह से ये भय का और डर का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इनके अवैध वसूली है वो कार्य करते रहे और वही उन्हीं मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए ये आसपास के गांव में कारा क्षेत्र से लगे हुए जो गाँव हैं उनका भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण ये गांव में आए हुए थे कि फिर किसी घटना को अंजाम दें। और परंतु जो ये, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जागरूक आमजनों का, जो बिल्कुल भी नक्सल की जो झूठी एक आइडियोलॉजी है, जो गलत विचारधारा है, उसके प्रभाव में नहीं आते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा जो कानूनन रास्ते हैं, विकास के रास्ते हैं, उनका साथ दे रहे हैं और हमें सूचना देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह की प्रभावी कार्रवाई कर पाते हैं। सर, 15 अगस्त को देखिए पुलिस के क्या प्लान है, इस समय इंटरेस्ट है पुलिस को? एकदम हाईएस्ट अलर्ट पर जो पुलिस फोर्स है वो है और सभी हमारे चौकी जो हैं, थाने जो हैं, जो हमारे पास हॉक फोर्स है, CRP है, सभी अपने हाईएस्ट अलर्ट पॉइंट पर चल रहे हैं और उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जैसा आपने कल भी देखा कि कल 2 अलग अलग क्षेत्रों में इनकाउंटर की गाड़ियाँ सीज की है, ऑडेक्स लाइट सीज किया है, ट्रांसमिशन सीज किया, तो ये 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 क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ी नेटवर्क है इनकाउंटर की,
दलम भी काम कर रहा है, उनके बीच में जो बिचौलिया भी काम कर रहे हैं। और क्या है कि नीचे तबके के लोग पकड़े जा रहे हैं, ऊपर के लोग अभी लोग बहुत कम आते हैं। लेने तेल तुम्हारे आता है सरकार, मैंने रुक के गया, उनको समझ में आया उधर मंडा था। तो ये कल भी जो फायरिंग हुआ है पूरी गुबली को, हमारी गुबली को हत्या करने का प्रयास थी। तो ये पुलिस के खिलाफ लगातार ये लोग अपना दुश्मनी दिखा रहे हैं, हमारी पुलिस के इन्फॉर्मेंट्स को मारने के खिलाफ में। कल भी आए थे, कल शाम की घटना है, कि एस पी साहब और डिटेल बताएंगे ये संदीप निशान के बारे में कैसे घटना हुई, जो हमारे एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ और पकड़े गए। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आर9 भारत।